Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Time. आज हम करने जा रहे हैं factorize by splitting the middle term. Factorize by splitting the middle term हम एक previous video में भी कर चुके हैं, but उसमें हमने simple जो number होते हैं उनको ही factorize किया था. इस video में हम जो root वाले number हैं उनको factorize करेंगे. Factorize by splitting the middle term ये 9th और 10th दोनों classes के लिए ही है ये video. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रूट वाले नंबर में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आज हम जो रूट के नंबर होते हैं उनको फैक्टराइज कैसे करेंगे ये तीन क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट. 3x² माइनस 2√6x + 2. तो स्प्लिट करते हैं जब मिडिल टर्म से, तो मिडिल टर्म में जो नंबर होता है प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये दोनों नंबर आने चाहिए. जैसे 3x² × 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 6x² आना चाहिए और बीच में है 2√6 माइनस 2√6x. अगर किसी भी दो नंबर को अगर प्लस करो या माइनस करो तो बीच वाला नंबर आना चाहिए मिडिल टर्म वाला, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आना चाहिए. ओके, तो इसमें है √-2√6x. अगर आप √6x और √6x इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 माना जाएगा ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो √6x हो जाएगा. दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करते प्लस है और साइन माइनस का आएगा तो 1 और 1 √2 √6x आ गया. मल्टीप्लाई कर ऐड दोनों को ऐड करके अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6x √6 और √6 तो √6 और √6 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6 6 36 36 का 6x² आ जाएगा. तो मतलब आपका ये नंबर आ गया, तो हमारे फैक्टर बन गए −√6x और −√6x. फैक्टर क्या बन गए, 3x² − √6x − √6x + 2. क्योंकि इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 2√6x आ जाएगा और इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आ जाएगा. अब कॉमन क्या आएगा इसमें, 3x² तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x 3 आ जाएगा. तो इसमें √3 कॉमन ले लेंगे, √3x और ब्रैकेट में भी √3x, √3 और √3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3x आ जाएगा. 3x² माइनस ये √6x है, यहाँ √3 है तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6x आ जाएगा. तो एक फैक्टर तो हमारा ये बन गया, दूसरा है √3x − √2. दोनों ही ब्रैकेट में सेम होता है, बाहर इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर 6x है यहाँ 3 है तो यहाँ −2 कॉमन आ जाएगा. √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये भी माइनस है, ये प्लस माइनस, माइनस √6x आ जाएगा और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो क्या फैक्टर बन गए, √3x − √2. ये दोनों ब्रैकेट सेम होती है तो इनमें से एक ब्रैकेट एक नंबर एक बार कितना नंबर और दूसरा √3x − √2 √3x − √2 ये आपके दो फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्वेश्चन 1 हो गया, करते हैं क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 है ये वाला √2x² क्वेश्चन 2 √2x² + 7x + 5√2. फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इसमें 7x है तो प्लस या माइनस करके 7x आना चाहिए और दोनों नंबर है √2x² और √2 को √2 से
5 × 10 मीन्स मल्टीप्लाई करके आपका 10x² आना चाहिए और प्लस माइनस करके 7x आना चाहिए। तो 10 किस किस की टेबल में आता है? 2 × 5 = 10, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10 करेंगे तो फैक्टर बनेगा नहीं, बीच में 7 नहीं आएगा, तो 2 × 5 = 10 करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 7, तो हमारे फैक्टर क्या बन गए? √2x² + 5x + 2x + 5√2, क्योंकि 5x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा और 5 × 2 = 10x² कॉमन क्या आ जाएगा? √2x कॉमन आ जाएगा, √2x अंदर आ जाएगा x प्लस, अगर आप अंदर 5x आपको लाना है, बाहर है √2 को, अगर √2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे √2x आ गया, और अंदर ये वाला नंबर हम पहले ले लेते हैं क्योंकि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए हम ये नंबर पहले लेंगे क्योंकि √2 अंदर आ जाएगा √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x आ जाएगा, एक तो ये फैक्टर बन गया x + √2। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 इसमें कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 को x से करेंगे 5x आ गया, और 5 को √2 से करेंगे तो 5 √2 आ जाएगा। तो इसमें फैक्टर्स बन गए हमारे x + √2 और √2x + 5, दो फैक्टर बन गए x + √2 √2x + 5। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 × 3 = 12x² 12x² मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 4√3x। तो 12 किस किस की टेबल में आता है? 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम उसको ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो 4√3 नहीं आएगा। 4 × 3 = 12 या 3 × 4 = 12, ये फैक्टर बन सकता है, क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12x² आ जाएगा, और ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो 4√3x क्या फैक्टर बन जाएंगे? 4√3 के 4, तो इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे? 4 × 3 = 12, 2 × 2, 4√3, 4√3 बीच में आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, और √3 और √3 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 4x² + 2√3 + 2√3, 2√3 और 2√3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4√3, और 2√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, और √3 √3 3 होगा, 4 × 3 12x² √3 x 2√3 x + 3, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? 2x और 2x कॉमन आ जाएगा, 2 × 2 = 4x² अंदर क्या आ जाएगा? √3, √2 को √2 से करेंगे तो 4x², 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 आ गया, 2x + √3 कॉमन क्या आ जाएगा? 2x + √3, इसमें क्या है? 3x + 3, तो √3 को अगर √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, √3 और ये 2x, तो इनको मल्टीप्लाई करके 2√3x आ जाएगा, और 2 √3 और √3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो √9 आता है, √9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालो तो 3 आ जाएगा, तो इसके वेक्टर बन गए 2x, क्योंकि ये सारा पूरा एडिशन के ही है, तो ऐड का नंबर 2x + के ही आएगा, 2x + 3, 2x + √3, दो फैक्टर बन
करोगे 2x plus root 3, 2x plus root 3. तो इस तरह आप जब कोई भी रूट का नंबर केवल हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो. मिडिल टर्म मतलब मिडिल में जो नंबर है प्लस या माइनस करके तो वो नंबर आना चाहिए. जैसे √2 √3x और 2√3x को ऐड करके 4√3x आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 3 12x² आ गया. इस तरह आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो.